2006 में ऑस्कर, अमेरिका में जो ऑस्कर अवार्ड्स मिलते हैं फिल्म को, उसमें शॉर्ट फिल्म्स की भी एक एंट्री होती है, उनका एक सेक्शन होता है। उसमें 2006 में जिस फिल्म को अवार्ड मिला वो फिल्म 7 मिनट की थी। ये शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में मैक्सिमम 10 मिनट अलाउड है। ये 7 मिनट की फिल्म में कोई डबिंग नहीं था, मतलब कोई आवाज नहीं था, मतलब साइलेंट मूवी थी। कोई कैरेक्टर नहीं था, मतलब कोई जीवंत व्यक्ति नहीं था, कोई बड़ा नाम हो एक्टर का वो भी नहीं था। कोई म्यूजिक नहीं था। अब आप सोच सकते हो कि इस प्रकार के फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिल सकता है क्या? फिल्म में म्यूजिक ना हो, कोई लाइव कैरेक्टर ना हो, कोई वार्तालाप ना हो, एक भी डायलॉग ना हो, साइलेंट मूवी हो, तो इसको इस जमाने में क्या अवार्ड मिल सकता है? फिर भी मिला, और वो भी ऑस्कर मिला। वो फिल्म क्या थी? एक जर्मन फिल्म थी। तो ये फिल्म में एक डिस्क थी, इतनी चौड़ी होगी शायद, और 5-6 गुड़िया एक एक कोने पे खड़ी थी, और वो डिश को सेंटर सपोर्ट था। तो सेंटर सपोर्ट मतलब ग्राउंड से 4-5 फीट ऊपर ये डिस्क, वो बीच में सेंटर सपोर्ट के सहारे वहां खड़ी थी। ऊपर से एक ऑर्नामेंट गिरा, तो ये 4-5 गुड़िया लालायत हो गई कि मैं दौड़ के वो ले लूं, लेकिन एक दौड़े तो वो डिस्क इंबैलेंस हो जाती थी, बाकी की 5 शायद गिर जाए, ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती थी। तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती थी कि मेरी वजह से ये 5 गिर जाएगी। दूसरी कोई गुड़िया ने ट्राई किया तो यही परिस्थिति, तीसरी ने ट्राई किया वही परिस्थिति। फिर ये 5-6 गुड़िया, उन्होंने एक दूसरे के साथ संज्ञा से काम किया कि हम एक साथ ये रफ्तार में इतने छोटे छोटे कदम रखते हुए वहां तक पहुंचेंगे। बैलेंस, पावर ऑफ कोलैबोरेशन। एक आगे दौड़ेगा लेने के लिए तो बाकी के 5 गिरेंगे, और शायद वो भी गिर सकती है ना, डिश इंबैलेंस हो जाती है। फिर ये 5-6 गुड़िया एक साथ आगे चली सेंटर की ओर, एज की ओर से सेंटर की ओर चली। 5-6 गुड़िया एक साथ वहां पहुंची, और सभी को ये प्राप्त हुआ, सभी ने मिलकर इसका भुगतान किया, सभी ने मिलकर इसका आनंद लिया। अगर एक दौड़ के आगे जाती तो शायद वो मिलता ना मिलता वो भी एक प्रश्न था, वो भी गिर सकती थी, सब गिर सकते थे। ये फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला क्योंकि टाइटल क्या लिखा था? टुगेदर वी आर बेटर, टुगेदर वी आर बेटर। ये विचार इज सीडिंग गुडनेस, जो आपका सूत्र है। गुडनेस का आप जब अपने अंतर में विचार की दृष्टि से, भावना की दृष्टि से उसका बीज बोते हो, सीडिंग गुडनेस। और वो गुडनेस क्या है? अनेक प्रकार की गुडनेस है, लेकिन आप सभी के लिए, सह्याद्री परिवार के लिए प्रथम गुडनेस क्या है? जो ये जर्मन फिल्म का टाइटल था, टुगेदर वी आर बेटर, टुगेदर वी आर बेटर। वो प्रथम गुडनेस कोऑपरेटिव सेक्टर में सीडिंग आपके हृदय में आपको करना है। वो सीडिंग गुडनेस सिर्फ पढ़ना नहीं है, लेटर पैड पे सिर्फ उसको वो छपा हुआ इसलिए पढ़ते हैं वो नहीं है। यू हैव टू सीड गुडनेस इन योर हार्ट्स एंड माइंड्स दैट टुगेदर वी आर बेटर। साथ में है तो हम सब समृद्ध हैं। तो मैंने आपको एक फुटबॉल का दृष्टांत दिया, मैंने आपको एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट की राय दी, मैंने आपको एक जर्मन फिल्म को ये अवार्ड मिला उसकी बात की। इन तीनों बातों से
एक बात स्पष्ट होकर हमारे सामने आती है और वो है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अपने प्रथम प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहा था, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कोलैबोरेशन। हम साथ में रहेंगे तो हम खड़े रह पाएंगे, कहां तकलीफों के सामने, कहां अपनी प्रगति की राह पे, और अगर टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो सभी को पूरे जीवन तक शायद अफसोस हो सकता है, सभी को आर्थिक क्षेत्र में भी बड़ा घाटा आ सकता है, कहीं लोग अपनी रोजगारी भी खो सकते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। लेकिन एक कम नसीबी मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी कम नसीबी, और वो क्या है, एक कहावत है, वन इंडियन इक्वल टू थ्री जापानीज, मतलब एक भारतीय है उसमें इतनी ताकत है, इतनी श्रद्धा है, एक एटीट्यूड है कि वो तीन जापानीज का काम अकेला कर सकता है। ये कहावत को आगे ले जाते हैं, टू इंडियंस इक्वल टू वन जापानीज। ये कैसी फॉर्मूला हुई, वन इंडियन इक्वल टू थ्री जापानीज, तो टू इंडियन मतलब कितना होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन से बोले सिक्स होना चाहिए। ये कहावत बनी है बहुत समझ के, इसलिए मैंने बोला थोड़ी कम नसीबी है, वन इंडियन इक्वल टू टू थ्री जापानीज, बट टू इंडियंस इक्वल टू वन जापानीज, मतलब जब दो हम साथ में आते हैं तब एक दूसरे की टांग खींचते, अपना अभिप्राय छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, अपनी मनमानी करने का प्रयत्न करते हैं, मैं जो कहूं वो सही है उसका आग्रह रखते हैं, आई एम मोर एजुकेटेड एंड मोर इंटेलिजेंट देन यू सो यू शुड ओबे मी, मैं आपसे सह्याद्री फार्म में ज्यादा सीनियर हूं, आप मेरे हाथ नीचे काम कर रहे हो तो आप ठीक है एक बार अपना अभिप्राय बताएं, लेकिन फाइनली तो आपको मेरा ही अभिप्राय स्वीकार करना पड़ेगा। अब आप लोगों ने ये तालियां क्यों बजाई हो मुझे बताएं। यहां पावर ऑफ कोलैबोरेशन टूटता है, कोलैबोरेशन टूटता है, तो दो इंडियन मतलब एक जापानीज, मतलब दो साथ में आते हैं तो इस प्रकार की जो मैंने अभी वर्णन किया परिस्थिति खड़ी होती है, तो कितना काम कर पाते हैं, सिर्फ एक जापानीज जितना काम कर पाते हैं, क्योंकि आधा समय किसमें बिकता है, बाजू वाले का, मतलब मेरे साथी का, मेरे साथी कर्मचारी का बुरा दिखाने में, बुरी रिपोर्ट ऊपर भेजने के लिए। हमने आपके ऑफिस में इलेक्ट्रॉनिक बग्स रखे हैं, पता है क्या हो रहा है, 90% तो ऐसी संस्थाएं में सब कुछ अच्छा चलता है, ठीक चलता है, इसीलिए तो इतना विकास दिखता है इतने कम समय में, 6-7 साल हुए, लेकिन जो 10% कमी रह जाती है उसकी बात मैं करता हूं, करनी चाहिए ना विलास जी। और ये कहावत में तीसरा भाग क्या है पता है, थ्री इंडियंस इक्वल टू जीरो। लेकिन सह्याद्री फार्म में आज मैं देखता हूं कि यह कहावत आप सभी ने मिलके उसको गलत साबित की है। थ्री इंडियंस इज नॉट जीरो, थ्री इंडियंस व्हेन दे कम टुगेदर दे कैन क्रिएट एन इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस क्लास, हम कर सकते हैं। तो ये सब कहावत पुरानी है, कोई आपको बोले तो बोलना कि कभी हमारे सह्याद्री फार्म में कोई सभा हुई थी, वहां कोई संत आए थे, उन्होंने हमने ये कहावत के बारे में ठीक तरह से समझ करवाई थी। लेकिन ज्यादातर आम समाज में जब लीडरशिप ठीक नहीं होती है तब ये कहावत ठीक बैठ जाती है कि साथ में आते हैं तो फिर झगड़े हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एटीट्यूड हमारा क्या रहता है, मैं सही हूं आप गलत हो। समझना किसको है, नहीं किसको है,
आपको, उंगली कहां जाती है? सामने वाले पे। तो कोलैबोरेशन टिकता नहीं है, पावर जनरेट नहीं होता है, सफलताएं नहीं मिलती है। इसका इलाज क्या है, इसकी रेमेडी क्या है? मैंने तो आपको यह प्रश्न, मैंने तो आपको यह व्यवस्था जो कम नसीबी है वो बताई, लेकिन इसका इलाज यह है, ओपन माइंडेड रहना। व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, यहां जूनियर हो या सीनियर हो, लेकिन उसका विचार अगर अच्छा है और प्रगतिशील है तो वो विचार स्वीकार करने की तैयारी हर लेवल पे, हर स्टेटा पे चाहिए। दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी जो मैंने अभी पिछली एक मिनट में कही वो टॉप मैनेजमेंट को ज्यादा लागू होती है, क्योंकि कई बार पढ़े लिखे लोग टॉप मैनेजमेंट ये सोचते हैं कि सभी अच्छे विचार हमको ही आते हैं क्योंकि हम MBA हैं। ये मान लेते हैं कि मैंने मैनेजमेंट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, मैंने MCOM किया है, मैंने अच्छी एक ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त की, तो अच्छे विचार मुझे ही आते हैं। आप डिग्री के हकदार हो, सभी समृद्ध विचार के हकदार आप नहीं हो। समृद्ध विचार तो किसी को भी आ सकते हैं। आपको जान के शायद ताजुब होगा कि 80% विचार जिन्होंने इतिहास की करवट बदल दी है इस पृथ्वी पे, वे विचार Class 3 और Class 4 कर्मचारी को आया है। एक दृष्टांत आपको दूंगा। बहुत सालों तक यह सोच चली कि फुटबॉल में स्टेडियम्स भरे हुए होते हैं, टेनिस में स्टेडियम्स भरे हुए होते हैं, ये क्रिकेट में इतने भरे हुए क्यों नहीं होते? टेस्ट मैच में 5 दिन के लिए तो 70-80% स्टेडियम खाली होता है, वनडे इंटरनेशनल में भर जाता है 50-50 ओवर में। लेकिन कुछ किया जाए कि फुटबॉल में जितने पैसे हैं, टेनिस में जितने पैसे हैं, उतने पैसे क्रिकेट में हम कैसे ला सके। चर्चाएं चली वहां ICC में, इंग्लैंड में, 3-4 घंटे की चर्चा के बाद कुछ अच्छे नतीजे पे नहीं आ सके। बन सकता है कभी चर्चाएं चलती है लेकिन एक परिणाम पे नहीं आ सकते। तो एक Class 3 कर्मचारी, क्लर्क जिसको बोलते हैं, वो बाहर बैठे थे, उन्होंने कहा मीटिंग के बाद कि मेरे पास एक अच्छा सुझाव है, मैं कहूं, क्योंकि ये इस कक्षा के कर्मचारी को परमिशन तो लेनी पड़ती है कुछ बोलने के लिए टॉप मैनेजमेंट को। उन्होंने कहा कि आप क्रिकेट मैच 20 ओवर की कर दो तो जितने पैसे फुटबॉल में है और टेनिस में है क्रिकेट में आ जाएंगे। तो मेरे और आपके जैसे कोई वहां होंगे, उन्होंने कहा ठीक चल रहा है तेरा, ये 50 ओवर में से तो 20 ओवर की करनी है क्या? उन्होंने बोला सर लोगों के पास 3 घंटे हैं देखने के लिए, 6-8 घंटे नहीं है, स्टेडियम भरा हुआ चाहिए। तो बोले हाँ। टिकट आपके भाव से आपको बिकानी है? तो बोले हाँ। स्पॉन्सरशिप मनी बड़े चाहिए? तो बोले हाँ। प्लेयर्स और टीम्स और मैनेजमेंट सभी को रिच बनना है? तो बोले हाँ। 20-20 इज द ओनली ऑप्शन। फिर इस पे सोच चली, फिर तय हुआ कि नहीं चलो T20 खेलते हैं, और T20 चालू हुआ, पूरी क्रिकेट को रिवोल्यूनाइज कर दिया कि नहीं। फुटबॉल और टेनिस में जितने पैसे इतने आ गए ना, क्या टीम्स बिकती हैं, प्लेयर्स क्या बिकते हैं, 10 करोड़, 50 करोड़, 25 करोड़ में एक एक प्लेयर बिकते हैं। जो प्लेयर शायद पूरी जिंदगी क्रिकेट खेलता तो इतने पैसे नहीं मिलते, उतनी एक IPL सीजन में उसको मिलते हैं। पावर ऑफ कोलैबोरेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ थॉट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पर्सन।